नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल हाजी मजीद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें अशासकीय अधिकारी राजपति बेस तथा नगर पालिका कर्मचारी सहित नगर पालिका के सभी सभासदगण उपस्थित रहे। नगर पालिका बाबू राजन चौधरी ने मेमोरेंडम पढ़कर सभी सभासदों को जानकारी देते हुए मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हुए बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल जमाव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध पर विशेष जोर देते हुए सभी विभाग व व्यवहार पर्यटन प्रसार प्रचार प्रसार की व्यापक योजनाएं बनाएं, जिसमें जन सम्मान जानकारियों की सुलभ उपलब्ध सुनिश्चित की जा सके। अशासकीय अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारत जागरूक किया जाए, संक्रमित बीमारियों को रोका जा सके, इस मुख्य उद्देश्य से आज नगर पालिका के मीटिंग हॉल में चेयरमैन महोदय द्वारा बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से सभासद अरशद जमाल, सभासद हाजी इस्तेखार अहमद, सभासद सराफत अली सभासद, इरफान अहमद सभासद, मास्टर नियाज अहमद सभासद, बसीर अहमद, परवेज अहमद, शमसू जमा अंसारी सभासद, मोहम्मद असलम सभासद, रईस अहमद गुड्डू सभासद, आनंद जी सभासद, लाल बाबू सभासद आदि समेत सभी सभासदगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आजमी। किन बिंदुओं पे की गई, क्या उनकी चर्चा है? इस समय भारत सरकार ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक शासन आदेश जारी हुआ है कि 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाना है। उसी के उपलक्ष्य में यह है कि जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, कि लोगों को जागरूक करें, कैसे किया जाए कि संचारी रोग न फैले। चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, JES, AE कई बीमारियां हैं, ये इस तरह बीमारियां, संक्रामक जो भी बीमारियां ये ना फैलें, इसको लेकर लोगों में जन जागरूकता पैदा करनी। उसी के उपलक्ष्य में शासन से निर्देश है कि जन सहभागिता का भी इसमें जन सहयोग लिया जाए, जिसके चलते जो भी निर्वाचित सदस्य हैं हमारे नगर पालिका के, उनको बुलाकर एक मीटिंग ली जाए और उनको जन सहयोग करने के लिए थोड़ा सा निवेदन किया जाए कि आप जनता के बीच में थोड़ा सा जन जागरूकता पैदा करें, जिससे कि ये महामारी, जो भी महामारियाँ हैं संक्रामक रोग की, ये सब न फैले, जिसको लेकर आज मीटिंग बुलाई। का प्रयोग तथा मच्छरों के रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान संचालित करना, खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों और अधिक कचरों की सफाई करवाना, शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग करवाना, उथले हैंडपंपों का प्रयोग रोकने हेतु उन्हें लाल रंग से चिन्हित करना, हैंडपंपों की पाइप को चारों ओर से कंक्रीट से बंद करना, हैंडपंप के आसपास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु सिंक बीच का निर्माण, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु हैंडपंप के रिबोरिंग एवं पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जांच, आबादी में इंडिया मार्का 2 हैंडपंपों और मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई टाइप स्टैंड पोस्ट के मानकों के अनुसार स्थापना एवं अनुरक्षण, जल भराव तथा वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने के लिए सड़कों तथा बेसमेंट का निर्माण करना, पेवमेंट है का निर्माण करना, सड़कों के किनारे उचित वनस्पतियों को नियमित रूप से हटाया जाना,